कुकुम्बर बेसिल सलाद। तो अब हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्थी है, तो आप इसे घर पे जरूर से बनाइए। इसके लिए हम ये सब इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है बारीक कटा हुआ कुकुम्बर, बेसिल लीव्स, यदि बेसिल लीव्स नहीं आपके पास तो तुलसी के पत्ते ले सकते हो, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, सिंधव नमक, पाउडर शुगर और नींबू का रस। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे बारीक कटे हुए कुकुम्बर के पीस। इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून बेसिल लीव्स बारीक कटे हुए और 1 टेबलस्पून डालेंगे हरा धनिया, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून सिंधव नमक और 2 टीस्पून पाउडर शुगर। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बेसिल लीव्स से इस सलाद में बहुत ही टेस्ट आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा तीखापन मिल जाता है इसमें, और पाउडर शुगर से थोड़ा सा टंगी टेस्ट आता है, खट्टा मीठा। ये सलाद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि ऐसे स्वाई फूड की रेसिपी आपको मिलती रहे। मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।